फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसा होप करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छा होना भी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था लहंगा, और मैंने बोला था लहंगे की स्टिचिंग, तो मैंने ब्लाउज़ की स्टिच कटिंग दिखा दी थी, स्टिचिंग नहीं दिखाई, और ब्लाउज़ मेरा बन गया है। और वीडियो पे बने रहिए, और अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। तो ब्लाउज़ मेरा बन गया है, थोड़ी फिनिशिंग बाकी है, लहंगा बनाना है जो कि इधर फैला हुआ है सब। तो पहले ब्लाउज़ दिखाते हैं फिर लहंगा दिखाते हैं, लहंगा बनना है तो मैं कोशिश करती हूँ दिखा दूँ धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट वीडियो बना के, मतलब थोड़े थोड़े वीडियो बना के मैं आप लोग को दिखाती रहूँ। तो पहले ब्लाउज़ दिखा देती हूँ जो बन गया है। तो ये है ब्लाउज़ मेरा जो प्रिंसेस कट का है, अभी इस पर प्रेस नहीं है इसलिए ये थोड़ा ऐसा है, और ये भी गले का है, और यहाँ पे एक छोटी सी पट्टी लगी हुई है ऐसे, अभी ये फिनिश नहीं हुआ है। और ये साइड ज़िप है, अभी प्रेस नहीं हुआ, ये साइड ज़िप है, यहाँ पे अभी हुक लगना है। और इसकी जो स्लीव्स है वो 10 है, तो यहाँ पे भी कोई लेस लगानी है, अभी लेस भी कंफर्म नहीं है कौन सी लगनी है। तो ब्लाउज़ हमारा बन गया है, और इसका जो बैक गला है ये बंद है, पीछे एक डॉट है, और ये प्रिंसेस कट है, यहाँ मैंने कॉर्ड डोरी लगाई थी, और ये क्रेप का कपड़ा मैंने बिना प्रेस किए बनाया, क्योंकि इसे दो दिन में, हमें एक दिन में दो दिन में देना है। और भी मेरे पास लहंगे हैं जो कि सब जल्दी ही देने थे। तो ये ब्लाउज़ है, आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कैसा था। तो इसका लहंगा चलिए दिख, तो ये मैंने अस्तर को इस फैब्रिक में फंसा दिया है, और इसकी लेंथ जो है मैंने काट दी थी। काटने के बाद यहाँ पे कली जो होती है वो हमें दबानी पड़ती है, कली को दबानी पड़ती है ताकि ये इसका कमर जो है कम हो सके। तो ये कमर, ये देखिए मैंने कितना कम कर दिया है, थोड़ा सा फ़ोन यहाँ से है और यहाँ तक, और ये इधर अभी दो अस्तर लगा के, मतलब एक सिंगल अस्तर लगा के मैंने साइड सिलाई भी कर ली है, यहाँ जिप भी लग जाएगा, पूरा लहंगा बन जाएगा। फिर कैनकेन जो है बाद में फंसाएंगे दूसरे अस्तर में, सिर्फ बेल्ट हम नहीं अटैच करते, बेल्ट तीनों, जब दोनों अस्तर लग जाते हैं सेम फैब्रिक लग जाता है फिर हम कमर की बेल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम जिप लगा लेते हैं, जिप लगा लेते हैं ऐसे, जिप को लगा लेते हैं, फिर कमर की बेल्ट सबसे बाद में करते हैं। तो ये मैंने अस्तर फंसा लिया, लेंथ काट लिया, तो पहले आपको खोलना पड़ेगा जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, फिर आपके लंबाई के अकॉर्डिंग उसको काट लीजिए लेंथ को, फिर कली खुलने लगती है, और कली को दबाना भी पड़ता है आपके कमर के हिसाब से कि आपकी कमर कितनी है, उससे आप 2 इंच इधर एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो इन कलियों को मैंने दबाया, ऐसे ही मैंने अस्तर में ही भी कली मारी एक्स्ट्रा, ये देखिए मैंने दबाया हुआ है इतना फैब्रिक, इसलिए कि कभी अगर आपको खोलना है तो आप खोल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ तक कली अंदर से फोल्ड की है, और वो कपड़ा अंदर ले लिया है क्योंकि इधर से दिखेगा नहीं, तो इतना पतला कपड़ा नहीं है। अब चलिए इस पर ज़िप लगा लेते हैं, ये हमारी ज़िप है और कपड़ा सीधा है आप देख सकते हैं, तो ये हमारी ज़िप है, ज़िप को हम ऐसे खोल लेते हैं, और ये ज़िप आगे का, ये देखिए, तो हम इसे इधर इधर नहीं लगाएंगे, ये वाला भाग लगाएंगे ऐसे, जब इधर लगाएंगे तो ये खोलने पे आगे आ जाएगा। तो हमने ज़िप खोल लिया है, चलिए आप लोगों को कैंसिल ज़िप लगाना दिखाते हैं। तो इसको हम फंसा लेंगे, ये हमारी जिप है। आप देखते हैं जिप को पूरा खोल के रखिए, देखिए मैंने पूरा खोला हुआ है पूरा यहाँ तक,
और जहाँ तक आपने सिलाई मारी है लहंगे के मतलब फैब्रिक में, उससे थोड़ा नीचे तक आपको सिल के लाना होगा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए। अब आप जब ऐसे करेंगे तो ये जिप, अब इस जिप को आप इसी जिप को इसी जिप को हम इसको इधर कर लेंगे। जूबी बेटू, अब हम इधर की तरफ सिलाई करेंगे। तो इधर की जिप हम इधर लगाएंगे। लग गया बेटा को, तो ये देखिए ज़िप हमारी। और इधर की ज़िप देखिए ऐसे ऐसे आपको बिल्कुल बराबर करना है। तो थोड़ा सा देखिए इसमें, तो इसको ये हमारी जिप लग के तैयार है। अब दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए ये जिप था, ये जिप था, ये जिप है। इस जिप को आप इसको किसकी ये चीज बहुत छोटी होती है तो इसको आराम से, ये देखिए अब ये यहाँ तक आ गई। अब आप इसे सीधा कर लो, इसको ऐसे खींच सकते हो। अभी इसके ऊपर एक और अस्तर बैठाया जाएगा जिसमें कैंटेन रहेगा। ये देखिए इसे और पास से करना है ताकि सिर्फ जिप दिखे। तो यहाँ ये नहीं दिखता, तो एक बार आप सिलाई जब करिए, मैंने जानबूझ के ऐसा किया। अब जब इसको सिलाई करिए, कोशिश करिए जब आप जिप लगाएं, खोल के दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं ऐसे करके, जब आप मशीन चलेंगे तो कैंसिल जिप पे यहाँ चलाया करिए, तब ये दिखेगा नहीं। जैसे मेरा दिख रहा है तो दिखेगा नहीं, आपको बिल्कुल पास से चलाना है ऐसे। मैंने ऐसे चलाया पर ऐसे नहीं चलता है, मैं गाउन में करती हूँ पर क्या है ऑप्शन नहीं है ठीक। शादी वाले दिन मैंने बोला है देने के लिए, तो ये लोकल जिप है टूट जाती है। तो जिप मैंने सही कर लिया और कैन जोड़ लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम कैनकेन को जोड़ लिए हैं और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ऐसे, ऐसे जोड़ लेंगे। और इसकी जो चौड़ाई लंबाई है वो 5 मीटर है। 5 मीटर कैनकेन को हमने 20 से काट दिया तो 10 मीटर हो गया। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने लिया 20 इंच, तो 20 से हाफ कर दिया था तो 20 इंच ही हो गया। और कैमरा मेरा हिल रहा है तो
तो ये कैनकेन है और कैनकेन की जो लंबाई थी ये चीज़ ये 20 इंच था, मैंने पहले ही बताया 20 इंच था। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने निशान लगाया। तो अगर ये कैनकेन की लंबाई 20 इंच है, ऐसे अगर आपको 20 इंच का कैनकेन लगाना तो नीचे से जहाँ पे 22 इंच है आप वहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो 22 इंच पे मैंने निशान लगाया है और ये ऊपर कमर है, ये ऊपर कमर है। तो इधर कमर से लेके यहाँ नहीं लगाना है, नीचे से लगाना है क्योंकि कैनकेन नीचे की तरफ होता है। तो हमने 22 इंच पे करके पूरा कैनकेन लगा लिया। आपको ऐसे थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। और इधर साइड कैनकेन किया है ताकि मशीन में जगह कम होता है, गैपिंग होता है, कैनकेन मुड़ जाता है। तो ये मैं लगा के सिल लेती हूँ ऐसे कपड़े को। और स्कर्ट तो बन गई है, ऊपर से इसको अटैच करना रहेगा तो वो मैं दिखाऊंगी। पहले मैं इसको सिल लेती हूँ। तो इसके लिए हम मशीन को चलाएंगे और एक हाथ से मैंने फोन को पकड़ा है और एक हाथ से कपड़े को। तो थोड़ा मुश्किल है पर कोई नहीं, कोशिश करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है कैनकेन को घुमाना पड़ता है कैनकेन को। और मैं फ़ोन को कहीं भी सेट नहीं कर सकती, आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ। अगर मैं इधर भी सेट करती हूँ इधर भी तो ये सही से होगा नहीं सेट, या फिर कोई पकड़ने वाला हो तो। बट मेरे पास कोई है नहीं तो मैं इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाती बनाते समय, क्योंकि मशीन की सुई में मेरा कई बार ऐसे हाथ फंस चुका है ऐसे, तो डर लगता है। और रात हो जाती है, एक बार तो 1:30 बजे रात मेरी मशीन में उंगली फंस गई थी। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है जब नाखून में जब आपको थोड़ा चोट लग जाता है। इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती कि वीडियो के चक्कर में मेरा हाथ फंस जाएगा, कुछ हो जाएगा हाथ में, तो 1-2 दिन फिर कैची नहीं पकड़ पाते हैं और वो चीज़ बहुत ज़्यादा। और अभी भी लगन का टाइम मेरे पास ज़्यादातर काम ऐसे आते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, आज देना है कल देना है ऐसे वाला, तो इसीलिए ऐसा रिस्क नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही कुछ हो जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे हम। तो ये है हमारा स्कर्ट और ये है हमारा कैनकेन। उन कैनकेन को पूरा लगा लेते हैं फिर। तो यहाँ मेरा कैनकेन ख़त्म हो गया, आपको ऐसे मशीन चला के निकाला और फिर स्टिचिंग करना है फिर से फिर दिख। तो अभी साइड का भाग भी सिलना पड़ेगा, इससे जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा कैनकेन हटेगा नहीं। और विश्वास करिए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मेरे साथ 5-6 बार ऐसा हो चुका है कि सुई में मेरा हाथ जा चुका है और थोड़ा सा डर लगता है। तो हम ऐसे को फंसा लेंगे दोनों तरफ। एक तरफ हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं एक तरफ मेरा हो गया है। तो अब दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। ये हमारा दूसरी साइड है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे भी सेट कर लेते हैं। तो हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे, इसको अच्छी तरह पकड़ लें क्योंकि बहुत मोटा है। ये हमारी सिलाई हो फिर कुछ ऐसा होगा। ये देखिए इधर हमने कैनकेन लगाया, ये पीछे का भाग है, ये देखने में कुछ ऐसा होगा फिर कुछ ऐसा होगा देखने में। अभी प्लेट को मैंने सही नहीं किया, कुछ ऐसा होगा
और पीछे ये होगा, तो ये हम पीछे की साइड लगाएंगे और ये हम आगे की साइड, ये मेरा स्कर्ट बना हुआ है तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये कुछ ऐसा देखने में आएगा, ये अंदर की तरफ रहेगा, तो चलिए दिखाते हैं। तो ये हमारा लहंगा बन के तैयार है। और ये जो लहंगा है ये इसकी बेल्ट है, आप देख सकते हैं बेल्ट है, और ये साइड जिप है। अभी यहाँ पे फिनिश होगा, यहाँ हुक लगेगा, और कमर आप देख सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ 30 इंच है। और अस्तर मैंने कैन कैन फंसा दिया, ये देखिए सिलाई भी अंदर हो गई, आप देख सकते हैं ये सिलाई है। बहुत मुश्किल होता है फ़ोन से पकड़ना दिखाना, तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई है, ये अंदर हो गया और कैन कैन भी लग चुका है लहंगे में। तो आप देख सकते हैं लहंगा कितना सुंदर है। तो मैं अभी रात के बज गए हैं, 1:30 बज रहे हैं, घड़ी थोड़ी फास्ट है, तो 1:30 बज रहे हैं और मैं अभी काम ही कर रही हूँ। तो ये स्कर्ट बन गई है, अब इसमें कोई काम नहीं, इसका ब्लाउज़ भी बन चुका है। अब चलते हैं और भी कपड़े हैं उसको बनाते हैं। तो इसकी फुल वीडियो मैं सुबह दिखाती हूँ, तो वीडियो को यहीं पे अभी रोक देती हूँ, फिर मैं सुबह ऐड करती हूँ। और आप लोग प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए, तो प्लीज़ देखिए कितनी फिनिशिंग से बना है। और ये 41 इंच लंबाई, क्योंकि जिसका है वो थोड़ी हाइट है उसकी, तो ये थोड़ा सा लंबा मैंने बनाया है। इसका लहंगा है और ये इसका फॉल है, ये ब्लाउज है, तो आप लोग प्लीज लगी वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।